सो दिस इज द फोर्थ क्यू कार्ड इन योर लिस्ट आपका क्यू कार्ड वैसे तो ये है कि डिस्क्राइब और यूनिफॉर्म यू वीयर एट योर स्कूल और कंपनी और बाद में एक और स्टेटमेंट है दैट यू वोर की एक प्रेजेंट में है और एक पास्ट में है अब आपसे स्टेटमेंट कोई भी पूछ सकता है और स्पेशली जी टी स्टूडेंट्स के लिए तो आपको प्रेजेंट में ही बोलना पड़ेगा सो आई है टू वर्जन फॉर दिस एक आपका प्रेजेंट में है और एक आपका पास्ट में है चाहे आप जेटी के स्टूडेंट हो या फिर एकेडमिक के स्टूडेंट हो आप ये आराम से बोल सकते हो सो लेट सी पहले हम इसका देखते हैं फर्स्ट वर्जन जो कि प्रेजेंट में है इसके बाद जो पास्ट वाला है वो बाद में अपलोड हो जाएगा आपके लिए सो फर्स्ट डिस्क्राइब अ यूनिफॉर्म यू वियर वेन यू वियर इट कि आप कब पहनते हो वो वोट इट फॉर यू आपके लिए किसने खरीदी थी ये वो डज इट लुक लाइक और ये दिखती कैसे है एंड हाउ यू फील अबाउट इट और आपको इस यूनिफॉर्म वियर करने के बारे में कैसा फील होता है सो लेट सी वेल वियरिंग अ यूनिफॉर्म एट द वर्क प्लेस और एट एनी इंस्टीट्यूट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू लुक प्रोफेशनल कि कोई भी यूनिफॉर्म वर्कप्लेस पे हो या फिर इंस्टीट्यूट पे हो पहनना बहुत जरूरी है ताकि हम प्रोफेशनल दिख सकें ओल दो आई अ नंबर ऑफ यूनिफॉर्म्स थ्रू आउट माय स्कूल और कॉलेज डेज वैसे तो मैंने बहुत सारे यूनिफॉर्म्स पहनी है स्कूल डेज में और कॉलेज डेज में बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पीस ऑफ अटायर दैट आई वियर एट माई वर्क प्लेस बट मैं यहाँ एक पर्टिकुलर पीस ऑफ अटायर की बात करना चाहूंगी कि जो मैं अपने वर्क प्लेस पे पहनती हूँ एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड माई सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन रिसेंटली कि अभी अभी मैंने अपनी प्लस टू की है सो एट द मोमेंट तो इस टाइम पे आई एम वर्किंग एज अ हेल्पर इन अ रेस्टोरेंट कि मैं एक हेल्पर के तौर पे काम कर रही हूँ एक रेस्टोरेंट में विच इज लोकेटेड अ स्टोन अवे फ्रॉम माई प्लेस जो कि मेरे घर से पास में ही है एक्चुअली दे वर टू यूनिफॉर्म्स कि दो यूनिफॉर्म्स हैं एक्चुअली देर आर टू यहाँ पे आर आएगा बस ठीक है एक्चुअली देर आर टू यूनिफॉर्म्स की दो यूनिफॉर्म्स हैं वन इज फॉर मंडे टू फ्राइडे एक मंडे से फ्राइडे तक की और एक सिर्फ सैटरडे को क्योंकि वो उनको ना मेरा साइज मेजरमेंट्स अच्छे तरीके से बताया एंड शी इज आल्सो एन एक्सपर्ट एट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और वो एक्सपर्ट भी है कि हर चीजे की हर प्रोडक्ट की क्वालिटी के वो अच्छी तरह से देख के फिर ही खरीदती है

यूनिक है ऑन द अदर हैंड ऑन सैटरडे और दूसरी सब सैटरडे को द आउटफुट इज अ वाइट टी शर्ट विद प्रिंट ऑफ रेस्टोरेंट नेम एक वाइट टी शर्ट है जिसके ऊपर रेस्टोरेंट का नेम भी लिखा हुआ है विद अ व्हाइट ट्राउजर एंड स्पोर्ट्स शूज इफ आई टोक अबाउट माई फीलिंग्स की अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ कि मेरे को यूनिफॉर्म वियर करना कैसा लगता है आई रियली फील ग्रेटफुल फॉर सच ए यूनिक ड्रेस कोड कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ड्रेस कोड काफी अच्छा है ये एज इट हेल्प मी टू लर्न वेरियस स्किल्स इससे मेरे को

वर्किंग एरिया में पहनती हूँ सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और जो इसका जो सेकेंड वर्जन है वो भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा जिसको पास्ट वाला ही करना है कि हमने स्कूल वाला ही करना है सो दे कैन डू दैट